ये देखे, ये हमारे पास 4 किलोवाट है, 4.5 डायमंड है, पीवी 6500 है, 4.5 किलोवाट है और 24 वोल्ट में इन्वर्टर है। वाह यार, बड़े बिल्ड क्वालिटी तो बहुत जबरदस्त है। और इसमें 10 फिल्टर वगैरह भी लगे, बहुत बेहतरीन चीज है। बाकी अगर जो यूएस वगैरह का IP65 इन्वर्टर अगर इस्तेमाल कर चुके हैं, बाकी इसके अलावा अगर वो करना चाहते हैं तो इस पे हर हफ्ते 15 दिन अगर आप बिलोर वगैरह मारेंगे तो इसकी भी लाइफ बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी जी। इसके अलावा फिर हमारे पास डायमंड में 6.5 है, 8500 सोलर पीवी है और 48 वोल्ट में और 6.5 किलोवाट है। फिर हमारे पास डायमंड में 10.5 है, पीवी 13000 है, 48 वोल्ट में और 10.5 किलोवाट आउटपुट है इसके अंदर। जबरदस्त हो गया जी। इसके अलावा फिर हमारे पास ये Z6 मॉडल है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी में, पीवी 11000 है, 8.5 किलोवाट है, RGB डिस्प्ले के अंदर है। डिस्प्ले में दोनों में फर्क है, ये RGB डिस्प्ले कहलाता है। अच्छा जी, ये भी बताइएगा इस मॉडल में हम क्या क्या चीजें चला सकते हैं। सर इसमें आप 1.5 टन के इन्वर्टर AC चला सकते हैं, 2-1 साधा फ्रिज चला सकते हैं, 8-10 पंखे, 20-25 लाइटें, ये सारी चीजें आप इसमें चला सकते हैं और ये 48 वोल्ट चार्ज बैटरी में। इसके अलावा फिर हमारे पास जेनिक में 8.5 है, पीवी 10000 है, ये सारे वही मॉडल है। ये देखिए, ये 4.5 किलोवाट है, ये 6.5 किलोवाट है, ये 8.5 किलोवाट है, ये 10.5 किलोवाट है, ये सारे सारों में डबल चार्ज कंट्रोलर लगा, डबल चार्ज कंट्रोलर है, डुअल पीवी है, डुअल पीवी और डुअल आउटपुट है। ये पाकिस्तान में पहली बार सिंगल फेज में यूनिक ने 12 किलोवाट इन्वर्टर मुतारिफ करवाया। वैसे 10 किलोवाट से ऊपर 3 फेज इन्वर्टर आ रहे हैं ऑन ग्रिड। ये 12 किलोवाट सिंगल फेज में इन्वर्टर है, 15000 पीवी इसकी और 12 किलोवाट है ये। जबरदस्त हो गया, 12 किलोवाट में जी, 12 किलोवाट में। गुड यार, जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, कोई आपसे डिमांड करता है कि हमें यूनिक के इन्वर्टर भी चाहिए जी, तो आपके पास ह्यूज जो ना मॉडल मौजूद है, सारे मॉडल मौजूद है, तमाम मॉडल मौजूद जी, तमाम मॉडल मौजूद। गुड हो गया यार। अस्सलाम वालेकुम फारूक, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। आज ये कहाँ लेकर आ गए भाई फारूक? सर ये हमारा हेड ऑफिस है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे सारे डिस्प्ले लगे हुए, तो ये हम आपको डिस्प्ले भी दिखा रहे हैं। पीछे देखे सारे यूनिक के ब्रांड लगे हुए, मॉडल लगे हुए, अलग अलग मॉडल है, ये आपके सामने लगे हुए। तो ये कौन कौन से इन्वर्टर है यूनिक के? सर ये इसमें 1.5 है, इसमें 2.8 है, इसमें 3.2 मार्वल है, इसमें फिर 3.2 मैक्स है, फिर इसमें 4 किलोवाट मार्वल है, फिर इसमें 4.5 डायमंड है, फिर इसमें 4.5 Z5 है, फिर इसमें 4.5 मार्स है। मतलब यूनिक ने जो जो मॉडल निकाले ना, जैसे हमने अभी भी बताया था आपको वीडियो में कि 1.5 और 2.0 के अलावा जितने भी इन्वर्टर आ रहे ना ऊपर के, उसमें तकरीबन 3-4 मॉडल है यूनिक में। ठीक जी। अच्छा, इसके परफॉर्मेंस के बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताएं कैसे है। सर बेहतरीन चल रही है, जिस किसी भी प्रोडक्ट को अगर देखना है ना, तो उसकी आउट ऑफ सेल सर्विस देखनी चाहिए कि आउट ऑफ सेल सर्विस कैसी है। कम से कम इंशाल्लाह 72 घंटे में आपकी आउट ऑफ सेल सर्विस बिल्कुल क्लियर करके देंगे। वैसे इसकी गारंटी वगैरह के हवाले से बताएं। वैसे इसकी जो वारंटी वगैरह है ना, इसकी 1 ईयर पार्ट्स है और 4 ईयर सर्विस वारंटी है। अच्छा जी, तो इसमें यूनिक के अंदर क्या नेटवर्क जैसे मॉडल्स मौजूद है आपके पास? जी जी, इसमें जैसे नेटवर्क इन्विटेक्स में जो आया था IP65 में जी जी, इसी में यूनिक में लिनक्स के नाम से मॉडल आए थे जो अभी स्टॉक में खत्म हो गए। अभी इंशाल्लाह तकरीबन 10 तारीख तक इंशाल्लाह 6 किलोवाट भी आ जाएगा लिनक्स का, और इसी में हमारे पास 8 किलोवाट लिनक्स आ जाएगा। अच्छा, तो अब आप हमारे ऑडियंस को दिखाएं कि आपके पास कौन कौन से सोलर इन्वर्टर्स मौजूद है। सर ये हमारे पास, ये देखे, ये हमारे पास 4 किलोवाट है, 4.5 डायमंड है, पीवी 6500 है, 4.5 किलोवाट है और 24 वोल्ट में इन्वर्टर है। वाह यार, बड़े बिल्ड क्वालिटी तो बहुत जबरदस्त है। और इसमें 10 फिल्टर वगैरह भी लगे, बहुत बेहतरीन चीज है। बाकी अगर जो यूएस वगैरह का IP65 इन्वर्टर अगर इस्तेमाल कर चुके हैं, बाकी इसके अलावा अगर वो करना चाहते हैं तो इस पे हर हफ्ते 15 दिन अगर आप बिलोर वगैरह मारेंगे तो इसकी भी लाइफ बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी जी। ठीक, तो इसके प्राइस के हवाले से बताएं और लोड के हवाले से बताएं। ये 24 वोल्ट में और 6.5 किलोवाट सोलर पीवी है और 4.5 किलोवाट है और 24 वोल्ट में। मार्केट रेट इसके चल रहे 1,60,000 रुपए चल रहे, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको पड़ जाएगा 1,51,000 रुपए में पड़ जाएगा। यानी चैनल के रेफरेंस देगा तो आप इसको रेट कम कर देंगे, डिस्काउंट देंगे। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास डायमंड में 6.5 है, 8500 सोलर पीवी है और 48 वोल्ट में और 6.5 किलोवाट है। जबरदस्त जी। वैसे मार्केट रेट इसके चल रहे 1,90,000 रुपए चल रहे, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 1,76,000 रुपए में पड़ जाएगा। 1,76,000 जी, 176,000 का पड़ जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी देख रहा हूँ यार, वाकई में ऑसम है यार। सर ये आजकल लोग घर जैसे बना रहे इसी तरीके के कलर वगैरह इन्वर्टर की हमारे पास डिमांड आ रही थी, तो इसलिए यूनिक कंपनी ने
ऐसे मॉडल निकाले। वाकई में यार बड़ा ध्यान रखकर बनाया उन्होंने, डिजाइन बहुत ध्यान रख के इसको मैनेज किया यार। सर इंशाल्लाह और मॉडल भी आ रहे हैं हमारे इसके बाद, 10 तारीख के बाद और मॉडल भी आ रहे हैं हमारे नए। अच्छा इसके प्राइस आपने कोट कर दिया? जी जी इसके कोट कर दिए। अच्छा इसके बारे में बताइए। इसके बाद ये 8.5 kW है, 10,000 PV इसकी और 8.5 kW आउटपुट है इसकी। ये वैसे मार्केट इसकी चल रही है 3,30,000 रुपए, लेकिन जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 3,10,000 रुपए में। 3,10,000 जी, 3,10,000 रुपए में। मॉडल कौन सा है? ये डायमंड मॉडल है, PV10,000 है जी। यार डायमंड की तरह ही बनाया है यार जी। देखे सर ये डायमंड जैसे ये देखे शेप आ रहा है ना, डायमंड की तरह ही आ रहा है बिल्कुल यार। अच्छा इसकी वारंटी बताइएगा कि क्या वारंटी? इसकी 5 ईयर वारंटी, जो भी मॉडल आप देख रहे हैं ना IP65 के अलावा जो भी मॉडल देख रहे हैं, 1 ईयर पार्ट से और 4 ईयर सर्विस वारंटी है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि एंड यूजर को परेशानी नहीं होगी? नहीं कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, फौरी तौर पर अजाला हो जाएगा। फौरी तौर पर हो जाएगा, कम से कम 72 घंटे कंपनी खुद लेती है। ठीक ठीक जी। अच्छा इसके अलावा ये बताइए, इसके अलावा फिर हमारे पास डायमंड है 10.5 है, PV13,000 है, 48 वोल्ट में और 10.5 kW आउटपुट है इसके अंदर। जबरदस्त हो गया जी। ये वैसे मार्केट रेट इसके चल रहे 3,70,000 रुपए, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 3,51,000 रुपए में पड़ जाएगा। 3,51,000 रुपए, यानी हर इन्वर्टर पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं जी, बेनिफिट दे रहे हैं। जबरदस्त हो गया यार। और फिर इसके अलावा हमारे भाई ये कैसे बताएं पहले आप? ये अभी हमने आपको बताया ना, ये मार्केट रेट इसके 3,70,000 चले, लेकिन आपके व्यूअर्स वगैरह जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ये पड़ेगा 3,51,000। 3,51,000 वैसे मार्केट में ये कितने का सेल आउट? 3,70,000, 75,000, 80,000 जैसा कस्टमर। ठीक ठाक माशाल्लाह फारूक, तुमने तो हद कर दिया है यार। बस सर आवाम का ख्याल कर रहे हो यार, आवाम का ख्याल कर रहे हो, और हमारा काम भी बिल्कुल चीप प्राइस पर है। जबरदस्त हो गया। अच्छा इसके अलावा बताइएगा? इसके अलावा फिर हमारे पास ये Z6 मॉडल है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी में, PV11,000 है, 8.5 kW है, RGB डिस्प्ले के अंदर है। डिस्प्ले में दोनों में फर्क है, ये RGB डिस्प्ले कहलाता है। अच्छा जी, इसमें कोई क्या कोई टेक्नोलॉजी में फर्क है? जी टेक्नोलॉजी में भी फर्क है और थोड़ा इसका बोर्ड वगैरह भी अच्छा है, तो इसके रेट ज्यादा है। PCB बोर्ड वगैरह अच्छे हैं, PCB बोर्ड वगैरह कंपोनेंट वगैरह अच्छे लगे जी। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसमें तो कंप्लेंट की गुंजाइश ही नहीं है? जैसे कंप्लेंट तो किसी में भी नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा इसके अलावा बताइएगा? ये इसके अलावा फिर हमारे पास 7 kV PV8,500 है, ये 7 kV में, ये भी RGB डिस्प्ले में। ठीक, RGB डिस्प्ले में है। इसके प्राइस कोट कीजिए। ये मार्केट रेट चल रही है 3,10,000 रुपए चल रहे, लेकिन जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं उनको पड़ जाएगा 2,80,000 रुपए में पड़ जाएगा। अच्छा फारूक ये भी बताइएगा, इस मॉडल्स में हम क्या क्या चीजें चला सकते हैं? सर इसमें आप 1.5 टन के इन्वर्टर AC चला सकते हैं, 2-1 साधा फ्रिज चला सकते हैं, 8-10 पंखे, 20-25 लाइटें, ये सारी चीजें आप इस पे चला सकते हैं, और ये 48 वोल्ट चार्जर बैटरी में। ठीक, आप ये आपके बैक साइड पे एक और देख रहा हूँ मैं। सर ये Z5 मॉडल है, PV13,000 है। PV13,000 जैसे हमने आपको बताया था ना, वो डायमंड मॉडल है जी जी। इसके अंदर सिंगल चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, इसके अंदर डूल है, इसके अंदर डूल इनपुट है और डूल आउटपुट है। गुड यार जी, तो यानी कि उससे बेहतर ये है ऑप्शन है जी, उससे बेहतर ये, इसके अंदर 2 चार्ज कंट्रोलर लगे हुए, डबल PV है इसकी, आप नीचे से देख सकते हैं। बिल्कुल जी बेहतरीन, यानी कि ऑडियंस को चाहिए कि अगर पैसे उनके पास अगर है, जेब इजाजत देते हैं, तो इस तरफ आ जाए। डुअल है जी, डुअल इनपुट डुअल आउटपुट है, डुअल आउटपुट डुअल इनपुट जी, डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा इसके अलावा इसके प्राइस कोट किया आपने? ये मार्केट रेट इसके चल रहे 3,70,000 रुपए, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 3,60,000 रुपए में पड़ जाएगा। अच्छा जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, कोई आपसे डिमांड करता है कि हमें यूनिक के इन्वर्टर भी चाहिए जी, तो आपके पास ह्यूज जो ना मॉडल्स मौजूद है, सारे मॉडल मौजूद है, तमाम मॉडल्स मौजूद है, तमाम मॉडल मौजूद। गुड हो गया यार। अच्छा इसके अलावा? इसके अलावा फिर हमारे पास यूनिक में 8.5 है, PV10,000 है, ये सारे वही मॉडल है। ये देखिए ये 4.5 kW है, ये 6.5 kW है, ये 8.5 kW है, ये 10.5 kW है, ये सारे सारों में डबल चार्ज कंट्रोलर लगा, डबल चार्ज कंट्रोलर है, डुअल पीवी है, डुअल पीवी और डुअल आउटपुट है। अच्छा ठीक है, इसके प्राइस भी कोट कर दीजिएगा। ये मार्केट रेट इसके 8,500 पीवी के मार्केट रेट चल रहे, ये तकरीबन 1,95,000-2,00,000 रुपए चल रहे, लेकिन आप जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको पड़ जाएगा 1,88,000 रुपए। गुड यार, बेहतरीन चीज है, डिस्काउंट दे रहे हो भाई फारूक, जबरदस्त यार। इसके अलावा फिर हमारे पास यही 4.5 है, Z5 मॉडल है, ये मार्केट रेट इसके चल रहे 1,70,000 रुपए, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको पड़ जाएगा 1,58,000 रुपए में पड़ जाएगा। ठीक जी। इसके अलावा ये मैं देख रहा हूँ, इसे भी बताइएगा। ये पाकिस्तान में पहली बार सिंगल फेज में यूनिक ने 12 kW इन्वर्टर मुतारिफ करवाया, वैसे 10 kW से ऊपर 3 फेज इन्वर्टर आ रहे हैं ऑन ग्रिड।
वाह भाई, ये 12 किलोवाट सिंगल फेज में इन्वर्टर है, 15,000 पीवीएस की और 12 किलोवाट है ये। जबरदस्त हो गया 12 किलोवाट में। जी 12 किलोवाट में। गुड यार, तो इसके क्या प्राइस रखे? मार्केट इसकी चल रही है 5.5 लाख, 5 लाख 10,000 रुपए चल रहे, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको ये पड़ जाएगा 4,80,000 रुपए में पड़ जाएगा। 4,80,000 रुपए में पड़ जाएगा। अच्छा, ऑल ओवर पाकिस्तान तो इसकी डिलीवरी आप दे रहे हैं? जी, जहाँ कहीं भी बोलेंगे वहाँ खर्चा कस्टमर का खुद का होगा, डिलीवरी हम खुद करवा देंगे, सेफली आप पहुंचा देंगे। जी, जी, जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं और उनके पास पैसों की कमी है, तो इन्वर्टर वगैरह तो जाहिर सी बात है 55,000 रुपए, लेकिन जो भी भाई वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको पड़ जाएगा 47,000 में पड़ेगा सिंगल रेट। जी, उसकी सोलर कैपेसिटी 1,000 वाट है और 720 वाट आउटपुट है। तो उसमें लोड हम कितना चला सकते हैं? मतलब आप 720 का आउटपुट डाल सकते हैं, जैसे आप 5-6 पंखे 5-6 लाइट एलईडी टीवी चला सकते हैं। गुड हो गया यार, जबरदस्त। ठीक है, आपने काफी इंफॉर्मेशन दी फारूक भाई। इंशाल्लाह ताला जो भी वीडियो देख रहे हैं आपसे रابطہ करेंगे तो आप उसे गाइड कर दिएगा, ठीक है ना? ठीक है। सोलर पैनल के हवाले से भी हम वीडियो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आवाम के लिए निकालेंगे। जब तक के लिए भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।